बंधुओं बहुत बहुत स्वागत है आज के मुहूर्त के स्पेशल कार्यक्रम में। हम लोग बात करेंगे 2023 के संपूर्ण वर्ष भर में व्यापार मुहूर्त को लेकर। अगर आप 2023 के अंदर जनवरी से लेके और दिसंबर तक किसी भी प्रकार का व्यापार करना चाहते हैं, चाहे आप बड़ा शोरूम खोल रहे हैं, चाहे आप छोटा सा व्यापार आप एक रेडी से शुरू कर रहे हैं, तो किसी भी प्रकार का जो व्यापार है वो व्यापार के अंदर ही आता है। और उस ऐसी स्थिति में जनवरी से दिसंबर तक पूरे वर्ष भर का मुहूर्त मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। दर्शकों, निवेदन रहेगा कि अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आने वाले समय में भी अध्यात्म, ज्योतिष या हर प्रकार के मुहूर्त आपको हमारे चैनल पर मिलते रहे। चर्चा को शुरू कर लेते हैं। यहां पर व्यापार शुरू करने के लिए जनवरी माह के अंदर कौन कौन से मुहूर्त रहेंगे और दिसंबर तक कौन कौन से मुहूर्त बनेंगे, इससे पहले एक छोटी सी जानकारी, क्योंकि यहां पर मैं डेट वाइज नक्षत्र बार ये सभी जानकारी आपको देने वाला हूं। लेकिन तब भी आप कौन से शहर के अंदर रहते हैं ये हमें मालूम नहीं, और आपकी राशि क्या है यह भी हमें मालूम नहीं। इसलिए आपको क्या करना है, जो तारीख हम आपको देने वाले हैं उसमें आपको क्या करना है कि अपनी राशि की जो चंद्र कुंडली आपकी है उसमें आपको उस दिन के चंद्रमा को, उदाहरण के लिए कि हम 1 जनवरी को अपना व्यापार शुरू कर रहे हैं और उस दिन मुहूर्त है, आपने क्या करना है, वीडियो में हमने जो मुहूर्त आपको बताया, मान लो हमने 1 तारीख का मुहूर्त बता दिया, तो आपने 1 तारीख का मुहूर्त चयन करना है। फिर आप अपनी चंद्र कुंडली को देखें, वहां पर आज मान लो मेष राशि पर चंद्रमा है या आज कर्क राशि पर उदाहरण के लिए चंद्रमा है और आपकी मेष राशि है, तो मेष राशि की कुंडली आपकी बन गई है। अब चौथे भाव पर आपके चंद्रमा आ जाएंगे क्योंकि कर्क राशि बन जाएगी। अब आपको गिनना है अपने लग्न से 1, 2, 3, 4। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके राशि से आज गोचर में चंद्रमा चौथे पड़ रहा है। मुहूर्त तो आज है लेकिन चौथे चंद्रमा होने के कारण आपके लिए यह मुहूर्त शुभ नहीं। समझ चुके होंगे आशा करता हूं। विस्तार से आप समझना चाहते हैं मुहूर्त कैसे निकालते हैं तो इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, आप उसको भी देख सकते हैं। इतना करने के बाद आपको उस दिन का लगन, मान लो हमें कुंभ लगन में अपने कार्य को स्टार्ट करना है तो आज कुंभ लगन का जो समय है हमारे शहर के अंदर उसके आधार पर हमको अपना कार्य शुरू करना है। अब आशा करता हूं आप समझ चुके होंगे। अब हम यहां पर डेट वाइज शुरू कर लेते हैं मुहूर्त कैसे और कौन सी तारीख को बनेगा। यहां पर विभिन्न व्यापार आरंभ करने के लिए जो पंचांग से परिशोधित मुहूर्त है मैं उनको ही आपको बता रहा हूं। उसके अतिरिक्त आप व्यक्तिगत अपनी राशियों के अनुसार कुछ और मुहूर्तों का भी चयन कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारे संस्थान के जो लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं उस पर भी संपर्क कर सकते हैं और आप व्हाट्सएप पर समय लेकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए यहां पर अगर हम सबसे पहले बात अगर जनवरी माह की करें 2023 के अंदर, तो यहां पर 18 जनवरी को सबसे पहले मुहूर्त रहेगा, जिस दिन मां कृष्ण पक्ष एकादशी और बुधवार का दिन है। अनुराधा नक्षत्र के अंदर किसी शुभ लग्न में आप अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं। अग्रिम जो यहां पर मुहूर्त है वह 23 जनवरी को, जिसमें माघ शुक्ल पक्ष द्वितीय तिथि सोमवार धनिष्ठा नाम नक्षत्र रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर अगला जो मुहूर्त बनता है वो 25 जनवरी को बनेगा, 25 जनवरी यानी माघ शुक्ल पक्ष बुधवार। उसके अलावा यहां पर अगला इस दिन पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा, अगला जो मुहूर्त है वो 26 जनवरी को पड़ रहा है, जिसमें माघ शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि और गुरुवार का दिन रहेगा। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है आपका व्यापार शुरू करने के। 27 जनवरी यानी माघ शुक्ल पक्ष षष्ठी और शुक्रवार रेवती नक्षत्र के अंदर आप अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं। जनवरी के बाद फरवरी माह की बात कर लेते हैं। 1 फरवरी को पहला मुहूर्त जो श्रेष्ठ मुहूर्त बन रहा है, पंचांग परिशोधित है, माघ शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि बुधवार और मृगशिरा नक्षत्र के अंदर व्यापार के लिए मृगशिरा नक्षत्र को अति उत्तम माना जाता है। अगला जो मुहूर्त है वो है 10 फरवरी को, फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्थी शुक्रवार हस्त नक्षत्र। अगला जो मुहूर्त है वो 11 फरवरी को है, फाल्गुन कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि और शनिवार चित्रा नक्षत्र में। अगला जो मुहूर्त है वो 16 फरवरी को पड़ेगा, जिस दिन फाल्गुन कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि गुरुवार और मूल नक्षत्र रहेगा। अग्रिम जो मुहूर्त है वो 22 फरवरी को पंचांग ने यहां पर दिया है, जिसमें फाल्गुन शुक्ल पक्ष तृतीय तिथि बुधवार और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। अग्रिम जो मुहूर्त है वो 24 फरवरी को है, यानी फाल्गुन शुक्र पंचमी और शुक्रवार।
पंचमी और शुक्रवार के संयोग को गृह प्रवेश के लिए हो, व्यापार आरंभ के लिए हो, वाहन खरीदने के लिए हो, इन सभी चीजों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है और अश्विनी नक्षत्र भी इस दिन पड़ रहा है। बात हम अगले महीने यानी मार्च की कर लेते हैं। तो मार्च के महीने 2023 में सबसे पहले 9 मार्च को मुहूर्त रहेगा, हस्त नक्षत्र इस दिन बहुत अच्छा योग बनेगा, चैत्र कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि गुरुवार, ठीक है, हस्त नक्षत्र में। उसके बाद 13 मार्च को यहां पर दूसरा मुहूर्त है जो कि चैत्र कृष्ण पक्ष षष्ठी और सोमवार के दिन पड़ रहा है। यहां पर पंचांग 2022 का पूरा हो जाता है। अगला जो नया पंचांग है उसमें 2023 के मार्च के महीने से आगे के मुहूर्त यहां पर रहे। तो मैं इसके आधार पर आपको यहां पर बता देता हूं। देखिए मार्च में इसके बाद यहां पर 23 मार्च को यहां पर व्यापार का मुहूर्त है जिसमें चैत्र शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि बृहस्पतिवार और रेवती नक्षत्र है। उसके बाद 24 मार्च यानी चैत्र शुक्ल तृतीया और शुक्रवार अश्विनी नक्षत्र में आप अपना व्यापार आरंभ कर सकते हैं। इसके बाद 26 मार्च को यानी चैत्र शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि और रविवार रोहिणी नक्षत्र, 27 मार्च यानी चैत्र शुक्ल षष्ठी और सोमवार रोहिणी और मृगशिरा दोनों के अंदर आप अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। उसके बाद 27 मार्च के बाद यहां पर अप्रैल माह में किसी भी प्रकार का कोई श्रेष्ठतम मुहूर्त यहां पर नहीं है, अत्यावश्यक होने पर आप विशेष मुहूर्तों के अंदर आप कर सकते हैं। उसके बाद हम मई 2023 की बात कर लेते हैं जिसमें पहला मुहूर्त 3 मई 2023 को बन रहा है, वैशाख शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि बुधवार और हस्त नक्षत्र के अंदर, व्यापार के लिए हस्त नक्षत्र को श्रेष्ठतम माना गया है। उसके बाद यहां पर अगला जो मुहूर्त है वो 7 मई को है जिसमें ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि रविवार और अनुराधा नक्षत्र पड़ रहा है। 10 मई 2023 को ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष पंचमी और बुधवार उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में आप अपना व्यापार आरंभ कर सकते हैं। 10 मई और उसके बाद 11 मई ज्येष्ठ कृष्ण षष्ठी गुरुवार। उसके बाद यहां पर 21 मई 2023 यानी ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीया रविवार और मृगशिरा और रोहिणी दोनों नक्षत्रों में आप अपना कार्य शुरू कर सकते हैं। 22 मई 2023 यानी ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष तृतीया सोमवार को भी आप मृगशिरा नक्षत्र के अंदर अपना व्यापार आरंभ कर सकते हैं। 24 मई 2023 ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष बुधवार और पंचमी तिथि पुष्य नक्षत्र, पुष्य को भी व्यापार के लिए अच्छा नक्षत्र माना जाता है। 25 मई में भी यहां पर जब तक पुष्य रहेगा तब तक आप ज्येष्ठ शुक्ल षष्ठी गुरुवार और पुष्य नक्षत्र में आप व्यापार आरंभ कर सकते हैं। 29 मई यानी ज्येष्ठ शुक्ल सोमवार नवमी उत्तरा फाल्गुनी के अंदर भी आप व्यापार आरंभ कर सकते हैं। उसके बाद मई का अंतिम मुहूर्त यानी 31 मई ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी बुधवार। उसके बाद जून के अंदर 1 जून ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी और गुरुवार को आप अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं चित्रा नक्षत्र। 5 जून के अंदर यानी आषाढ़ कृष्ण प्रतिपदा सोमवार मूल नक्षत्र में भी व्यापार शुरू कर सकते हैं। 8 जून यानी आषाढ़ कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि गुरुवार श्रवण के अंदर भी आप अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं। 9 जून को भी व्यापार का मुहूर्त है आषाढ़ कृष्ण षष्ठी और शुक्रवार धनिष्ठा के अंदर। 12 जून को भी पंचांग ने परिशोधित मुहूर्त दिया है आषाढ़ कृष्ण पक्ष नवमी सोमवार और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। यहां पर 21 जून को भी मुहूर्त दिया है आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी पुष्य नक्षत्र के अंदर। 25 जून का भी मुहूर्त बन रहा है आषाढ़ शुक्ल सप्तमी रविवार पूर्वा फाल्गुनी के अंदर। उसके बाद 28 जून आषाढ़ शुक्ल दशमी बुधवार। उसके बाद जून के महीने के बाद यहां पर जुलाई में 1 जुलाई को पहला मुहूर्त बनेगा आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी और शनिवार। 5 जुलाई के अंदर शुद्ध श्रावण कृष्ण द्वितीया बुधवार के दिन। 9 जुलाई श्रावण शुद्ध रविवार। उसके बाद 14 जुलाई शुद्ध श्रावण कृष्ण द्वादशी के दिन रोहिणी नक्षत्र के अंदर। उसके बाद 21 अगस्त को सीधा शुद्ध श्रावण पंचमी और पंचमी तिथि सोमवार चित्रा के अंदर। 26 अगस्त यानी शुद्ध श्रावण शुक्ल पक्ष दसवीं तिथि शनिवार मूल के अंदर। उसके बाद 27 मूल नक्षत्र को केवल जन्म के लिए ही, बच्चे के जन्म के लिए शुभ नहीं माना जाता है, बाकी मूल नक्षत्र इसके लिए शुभ है।
27 अगस्त यानी शुद्ध श्रावण एकादशी रविवार के दिन भी आप कर सकते हैं, 28 अगस्त शुद्ध श्रावण द्वादशी सोमवार के अंदर, उसके बाद 1 सितंबर भाद्र कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि शुक्रवार के दिन उसकी उत्तरा भाद्रपद में, 2 सितंबर यानी भाद्र कृष्ण तृतीया शनिवार के दिन देवती नक्षत्र में आप अपना व्यापार आरंभ कर सकते हैं, 6 सितंबर यानी भाद्र कृष्ण सप्तमी बुधवार के दिन, 11 सितंबर भाद्र कृष्ण द्वादशी सोमवार के दिन, 18 सितंबर भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया सोमवार के दिन चित्रा में, 20 सितंबर यानी भाद्र शुक्ल पक्ष पंचमी अनुराधा, 21 सितंबर यानी भाद्र शुक्ल पक्ष षष्ठी गुरुवार के दिन, 24 सितंबर यानी भाद्र शुक्ल नवमी रविवार के दिन, 25 सितंबर यानी भाद्र शुक्ल दशमी सोमवार के दिन, 20 सितंबर उसके बाद सीधा 20 अक्टूबर को है अश्विन शुक्ल षष्ठी शुक्रवार के दिन, उसके बाद 26 अक्टूबर 2023 में यहाँ पर आप मूल नक्षत्र अश्विनी शुक्ल और द्वादशी के अंदर कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर 4 नवंबर यानी कार्तिक शुक्ल शनिवार, उसके बाद 10 नवंबर को कार्तिक कृष्ण द्वादशी हस्त नक्षत्र के अंदर, 18 नवंबर को यानी कार्तिक शुक्ल पंचमी शनिवार के दिन, 19 नवंबर यानी कार्तिक शुक्ल षष्ठी रविवार के दिन, 23 नवंबर यानी कार्तिक शुक्ल एकादशी गुरुवार के दिन उत्तरा भाद्रपद में, 24 नवंबर यानी कार्तिक शुक्ल द्वादशी रेवती में, 25 नवंबर यानी कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी शनिवार अश्विनी में, 29 नवंबर यानी मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि और उसके बाद सीधा दिसंबर, दिसंबर के महीने में 2 दिसंबर को पहला मुहूर्त है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष पंचमी और शनिवार के दिन पुष्य नक्षत्र में, उसके बाद 7 दिसंबर को है मार्गशीर्ष कृष्ण दशमी गुरुवार, उसके बाद 8 दिसंबर को मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी शुक्रवार, फिर 9 दिसंबर को मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष द्वादशी शनिवार, 14 दिसंबर 2023 को यानी मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष द्वितीया और गुरुवार के दिन यहां पर मुहूर्त दिया गया है। तो बंधुओं ये था जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक व्यापार शुरू करने का शुभ मुहूर्त। यदि आप किसी भी प्रकार के मुहूर्त की जानकारी चाहते हैं, ज्योतिष से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं, तो आप हमारे संस्थान की वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं या व्हाट्सएप के जरिए भी आप जानकारी ले सकते हैं।